Shapoorji Palonji Engineering and Construction 150 सालों से निर्माण की एक जानी मानी कंपनी है। अपने कार्य के इस विरासत को बनाए रखने के लिए Shapoorji Palonji ऐसे ट्रेनिंग वीडियोस के द्वारा कामगारों को काम करने के सटीक एवं सुरक्षित निर्माण के बारे में सूचित करता है, ताकि संपूर्ण सुरक्षा के साथ काम हो और अच्छी क्वालिटी प्राप्त हो सके। पत्थरों का उपयोग करके फर्श यानी फ्लोर सतह का निर्माण करने की प्रक्रिया को स्टोन फ्लोरिंग कहा जाता है। पत्थर के उपयोग से फर्श को एक बेहतर फिनिशिंग तो मिलती ही है, साथ ही साथ फर्श मजबूत और टिकाऊ भी बनता है। दोस्तों, बिल्डिंग और फैक्ट्री के फर्श निर्माण में हम अलग अलग प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोटा, मार्बल और ग्रेनाइट काफी प्रचलित है। तो चलिए देखते हैं ग्रेनाइट पत्थर से फर्श बनाने का वीडियो और सीखते हैं ग्रेनाइट फ्लोरिंग का उचित कौशल। दोस्तों, आप सभी का आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो या आपके काम करने का तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले हादसों में ये जरूरी नहीं है कि गलती आप ही की हो। इसलिए साइट पर अपना पीपी जरूर पहने हमेशा। क्वालिटी टॉक के माध्यम से कामगारों को निर्माण के अलग अलग कार्य को उचित गुणवत्ता के साथ करने की प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जाता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि कोई भी विशेष कार्य करने के दौरान कामगारों को किस विषयों पर ध्यान देना चाहिए ताकि कार्य में गलतियां कम हों। तो चलिए पहले देखते हैं कि ग्रेनाइट फ्लोरिंग कार्य से जुड़ी मूल सामग्री जैसे सीमेंट, ग्रेनाइट और बालू को कैसे रखा जाता है और उनका स्थानांतर कैसे किया जाता है। क्योंकि ग्रेनाइट एक प्राकृतिक पत्थर है, इसलिए बड़े आकार के स्लैब्स में मिलते हैं जो कि वजन में भारी होते हैं। ग्रेनाइट पत्थर को दिखाए गए तरीके से हमेशा मजबूत सपोर्ट के ऊपर खड़े दिशा में जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखें। वजन ज्यादा होने की वजह से ग्रेनाइट पत्थर का स्थानांतर सावधानी से करें, इसमें उचित सुरक्षा विधियों का पालन अवश्य करें। हर सीमेंट की बैग 50 किलो वजन की होती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित तरीके से उठाकर दूसरी जगह ले जाएं। सीमेंट बैग्स के ढेर हमेशा एक ऊंची प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाएं, जो जमीन से 150 या 200 मिलीमीटर और दीवार से 600 मिलीमीटर दूर हों। सीमेंट बैग्स के ढेर कभी भी टेढ़ी या अधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए। सीमेंट को हमेशा सूखी स्थानों में अच्छी तरह से ढक कर रखें और ध्यान दें कि वहां पर पानी आने की संभावना ना हो। सीमेंट बैग्स को बिना ढके खुले स्थानों पर या जमीन के ऊपर नहीं रखने चाहिए। रेत या बालू को हमेशा छानकर उपयोग करें। समय समय पर पत्थरों को छन्नी से निकाल दें ताकि काम करने में सुविधा हो। छानकर रखे हुए रेत को हमेशा बोरियों में भरें। उपयोग होने वाले सामग्रियों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमेशा ठेला गाड़ियों का उपयोग करें। निर्माण कार्यस्थल पर हमेशा सचेत रहे, अन्यथा खतरा होने की संभावना है। ग्रेनाइट फ्लोरिंग कार्य में हम दिखाए गए औजारों का उपयोग करेंगे। पहले लगे हुए ढीले सीमेंट मसाला आदि को फर्श से हटा लें। जरूरत पड़ने पर फर्श की कंक्रीट सतह का हैकिंग करके उसे रफ बना लें। सतह पर दरारें या छेद मिलने से उसे सही तरीके से ठीक कर लें। वायर ब्रश या झाड़ू से कंक्रीट सतह की धूल, मिट्टी आदि को साफ कर दें। फर्श के आसपास की दीवार में स्कर्टिंग होने वाली जगह पर प्लास्टर ना किया गया हो, इसको जांच लें। फ्लोरिंग कार्य शुरू करने के 24 घंटे पहले ही फर्श सतह को पानी से गीला कर लें। ग्रेनाइट फर्श के समान सतह
और जरूरी मोटाई पाने के लिए लेवल पैड की स्थापना की जाती है। यहाँ दीवार पर दिए गए 1 मीटर लेवल से 400 मिलीमीटर माप कर फर्श लेवल से 600 मिलीमीटर ऊपर की मार्किंग लिए गए हैं। दो लेवल मार्किंग को लाइन दोरी से जोड़ने से 600 मिलीमीटर लेवल के लाइन दीवार पर मिलेंगे। उपलब्ध लाइन के ठीक नीचे दिखाए गए तरीके से पहली लेवल पैड का स्थापना करें। लेवल पैड की ऊपरी लेवल दीवार के लेवल लाइन से माप लें और उसकी संरेखन स्पिरिट लेवल से जांच लें। अब बनाए गए लेवल पैड से स्पिरिट लेवल के सहारे फर्श के दूसरे जगह पर भी लेवल पैड की स्थापना करें। ध्यान रखें, एक लेवल पैड से दूसरे लेवल पैड की दूरी हमेशा एक फंटी के अंदर होनी चाहिए। सीमेंट मसाले को हाथ अथवा मशीन दोनों तरीकों से मिलाया जा सकता है, क्योंकि मशीन से मिलाने पर मसाला जल्दी और अच्छी बनती है। इसलिए वीडियो पर हम मशीन का उपयोग कर सीमेंट मसाला बनाएंगे। मिश्रण के शुरू से ही मशीन को चालू रखें। बंद अवस्था में बालू या सीमेंट ना डालें। मशीन को उसके क्षमता से ज्यादा ना भरें, इससे मशीन खराब हो सकती है। मसाला बनाने के लिए सीमेंट और बालू का आयतन को हमेशा मापनी बक्श या फार्मा से माप लें। एक फार्मा का वॉल्यूम एक सीमेंट बैग के समान यानी 1.25 क्यूबिक फीट या 35 लीटर होती है। क्योंकि हम हाफ बैग मिक्सर मशीन से 1:4 के मात्रा में मसाला बना रहे हैं, इसलिए आधा बैग सीमेंट के साथ 2 फार्मा बालू मिलाएंगे। तो मिक्सिंग के शुरू में मशीन में पानी डालें ताकि उसकी अंदरूनी सतह गीली हो जाए। अभी दिखाए गए तरीके से निर्दिष्ट फार्मा से बालू को माप लें। बालू फार्मा के बिल्कुल ऊपर तक समान होकर भरना चाहिए। इस दौरान अनावश्यक पदार्थों को निकाल दें ताकि वो मसाले में ना मिल पाए। अभी बालू और उसके बाद सीमेंट को मशीन में डालें जहां पहले से ही पानी मौजूद है। ध्यान रखें, इस दौरान बालू या सीमेंट मशीन के बाहर नहीं गिरना चाहिए। अभी मसाले की अपेक्षित घनापन या कंसिस्टेंसी के अनुसार उनमें पानी मिलाएं। ध्यान रखें, अतिरिक्त पानी मसाले की मजबूती के लिए हानिकारक है। डाले हुए सामग्रियों को कम से कम 5 मिनट तक मिलने दें। कार्य के दौरान गिरे हुए सामग्रियों को वापस बोरी में भर लें। मसाले निकालने के लिए हमेशा धोए हुए साफ ट्रे का उपयोग करें। इसमें गंदे ट्रे का उपयोग ना करें। एक बार में उतना ही मसाला बनाएं जो कि 30 से 40 मिनट में उपयोग हो सके। मसाला निकालने के बाद मशीन को साफ करके ही कार्य का अंत करें। तैयार मसाले को साफ किए गए ठेला गाड़ी से दूसरे स्थान पर ले जाएं। सीमेंट मसाला बिछाने से पहले सूखे हुए स्थानों को वापस पानी से गीला कर लें। सतह पर अब गाढ़ा सीमेंट गोला ब्रश के सहारे अच्छी तरह से लगा लें। ग्रेनाइट पत्थर बिठाने के लिए सीमेंट मसाला की स्तर बिछाना पड़ता है। गोला लगा के तैयार सतह पर सीमेंट के मसाला डालें
और लेवल पैड के बीच फंटी से लेवल करना शुरू करें। बिछाई हुई मसाला की मोटाई आमतौर पर 10 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक ही होनी चाहिए। यहाँ पर हम मसाला की मोटाई 25 मिलीमीटर रखे हैं। ध्यान रखें, बिछाए गए सीमेंट मसाला को दबा के अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट या ठोस करें। सीमेंट मसाला उतनी ही स्थान पर बिछाएं जिसमें मसाला सूखने के पहले पत्थर बिछाया जा सके। एक बार में पूरी सतह पर सीमेंट मसाला ना बिछाएं, इससे मसाला सूख जाएंगे। ग्रेनाइट हमेशा उपलब्ध निर्दिष्ट नक्शे के अनुसार बिठाया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम दिखाए गए नक्शे के अनुसार ग्रेनाइट बिठाएंगे। इस कार्य में हमें दीवार के समानांतर एक लाइन चाहिए होती है जो लगाए गए ग्रेनाइट के किनारे सूचित करते हैं। पहले सर्वेयर द्वारा दिए गए लाइन पर 300 मिलीमीटर की माप लें और धागा से मार्क करें। ध्यान दें, हमें इस लाइन के समकोण में दूसरी लाइन लेनी है जो कि दीवार के साथ समानांतर होगी। दीवार के सामने ली गई लाइन दोरी में 400 मिलीमीटर की माप लें और मार्क करें। अभी दोनों मार्किंग के बीच टेप से तिरछा मापी लें तो 500 मिलीमीटर मिलनी चाहिए। दीवार के सामने वाले लाइन को हम एक ग्रेनाइट के चौड़ाई समान यहां 600 मिलीमीटर पर लिए हैं। आमतौर पर ग्रेनाइट पत्थर को उसके रंग या उत्पत्ति स्थान के अनुसार जाना जाता है। ग्रेनाइट अलग अलग मोटाई में मिलने के कारण उपलब्ध ड्राइंग के अनुसार पत्थर की मोटाई माप लें। इसमें निर्दिष्ट माप से 1 मिलीमीटर तक हेर फेर चल सकता है। प्राकृतिक तत्व होने के वजह से ग्रेनाइट स्लैब में फिशर या बिदर रह सकता है जो देखने में दरार जैसा है, पर यह ग्रेनाइट की प्राकृतिक लक्षण है। फिशर ग्रेनाइट की वेन बराबर होती है, लेकिन क्रैक या दरार कोई भी दिशा में हो सकता है जो कि पत्थर टूटने का निशानी है। उपयोग होने वाले ग्रेनाइट पत्थर में दरार या क्रैक नहीं रहना चाहिए। ग्रेनाइट स्लैब में कैविटी या छेद भी नहीं रहना चाहिए। ग्रेनाइट में स्थायी रूप से स्टेन्स या धब्बे मौजूद हो तो उसे कार्य में उपयोग ना करें। अच्छे क्वालिटी के ग्रेनाइट के रंग और पैटर्न में एक यूनिफॉर्मिटी या संगति रहती है। हालांकि प्राकृतिक कारणों के वजह से ग्रेनाइट के ग्रेन साइज, रंग और पैटर्न में अंतर आना स्वाभाविक है। पत्थर उपयोग करने के दौरान इस विषयों पर ध्यान दें। ग्रेनाइट पत्थरों में रंग का अंतर होने से उसे एक जगह पर ना बैठाएं। कार्यस्थल में उपलब्ध नक्शे के अनुसार ग्रेनाइट काटने के साइज और लगाने के जगह निर्धारित होते हैं। ग्रेनाइट काटने में वैद्युतिक आरी उपयोग होता है, इसलिए पत्थरों को जमीन से थोड़ा ऊंचाई में रखकर काटें। इसमें बैटन या बालू से बनाई गई अस्थाई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। पहले ग्रेनाइट स्लैब के स्वाभाविक अनियमित धार को काट के एक सीधा किनारा प्राप्त करें। अब स्लैब के सीधा किनारा से उचित माप लेकर स्टील पट्टी को सही जगह पर ले आए। कटिंग में उपयोग होने वाले क्लैंप से अब स्टील पट्टी को पक्की तरह से पत्थर में लगा लें। वैद्युतिक आरी का उपयोग से लगाए हुए स्टील पट्टी का सहारा लेकर अब स्लैब के एक तरफ से दूसरी तरफ काटना शुरू करें। इस दौरान आरी में निरंतर पानी आ रहा हो, इस बात का ध्यान रखें।
वैद्युतिक आरी या पावर सॉ उपयोग करते समय जरूरी पीपीई अवश्य पहने और विशेष सावधानी बरते। ग्रेनाइट कटिंग हो जाने के बाद पत्थरों को सही जगह पर सही तरीके से स्टैक कर रखें। इस वीडियो में हम 600 बाय 2500 मिलीमीटर साइज और 20 मिलीमीटर मोटाई की ग्रेनाइट बिछाकर फर्श की निर्माण करेंगे। पहले बिछाए हुए सीमेंट मसाला के स्तर के ऊपर ग्रेनाइट स्लैब को बिछाएं और दीवार पे उपलब्ध लेवल से माप कर उसे ऊपरी लेवल जांच लें। दिखाए गए तरीके से ठोक कर अब स्लैब को दबाकर संरेखण ठीक करें और स्पिरिट लेवल से जांच लें। अब स्लैब की संरेखण को सही करने के लिए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सीमेंट मसाला डालें। फिर से स्लैब को मसाला के स्तर पर डालें, ठोक कर दबाएं और लेवल करें। स्पिरिट लेवल के सहारे स्लैब की संरेखण जांच लें और हल्के से ठोक कर जरूरी एडजस्टमेंट पूरी करें। उपलब्ध लेवल पैड के अनुसार भी बिठाए गए स्लैब की लेवल जांच लें। ये सब सही होने से स्लैब को ठीक से बिठा दें। अब बताए गए तरीके से दूसरे स्लैब को भी बिठाएं। दोस्तों, क्योंकि ग्रेनाइट स्लैब वजन में भारी है और महंगा भी है, इसलिए ग्रेनाइट को पक्की तरह से बिठाने के लिए सही स्थान और संरेखण सुनिश्चित करना जरूरी है। इस प्रक्रिया को ड्राई लेइंग कहा जाता है। बिठाए गए दो ग्रेनाइट स्लैब के जॉइंट पर अब एक बार कटिंग मशीन को दिखाए गए तरीके से चलाएं। इससे दोनों स्लैब के किनारे में कोई असमता हो वो दूर हो जाएंगे और एक समान जॉइंट प्राप्त होगी। अब ग्रेनाइट के नीचे रहे सीमेंट मसाला की ठोस सतह में गाढ़ा सीमेंट गोला डालें और दिखाए गए तरीके से कन्नी से खांच दें। इसके बाद और एक बार सीमेंट का गोला डाल दें। ग्रेनाइट पत्थर को अभी पक्के तरीके से बिठाएं। दूसरे ग्रेनाइट स्लैब बिठाने के पहले बिठाए गए स्लैब के किनारे बराबर साफ कर दें ताकि स्लैब बिठाने के बाद वो स्थान अतिरिक्त मसाला से भर जाए और जॉइंट से मसाला ना निकले।
अब दूसरे पत्थरों को भी बताए गए तरीके से बिठाए। इस दौरान ग्रेनाइट की ऊपरी तल के समतलता स्पिरिट लेवल से जांच ले और स्पॉन से लगे हुए सीमेंट मसाला या गोला को अच्छी तरह से साफ करें। दोस्तों, कार्य के दौरान सीमेंट मसाला की बेडिंग स्तर को अच्छी तरह से कॉम्पैक्शन या सही पत्थर की उपयोग ना करने से लगाई हुई पत्थरों के किनारे में अंतर आ सकती है, जिसे लिपेज कहा जाता है। पत्थर के जॉइंट बराबर सिक्का या कॉइन से घिसने से लिपेज का पता चलता है, जो कि कार्य में एक गलती है। कार्य के अंत में फर्श को 24 घंटे के लिए छोड़ दें और बाद में अच्छी तरह से पोंछ ले। कार्य खत्म होने के बाद ग्रेनाइट फर्श सतह पर रक्षात्मक आवरण या प्रोटेक्टिव कवर बिछा दें। इस कार्य में केवल निर्दिष्ट प्रकार के आवरण का ही उपयोग करें। ध्यान रखें, कवर फर्श के साथ स्कर्टिंग के ऊपर भी लगने चाहिए। कवर लग जाने के बाद ग्रेनाइट लगे जगह को बाहरी प्रभाव से सुरक्षित रखें। दोस्तों, कार्यस्थल पर जमा हुए कचरे को सही तरीके से साफ करके उसे निर्धारित स्थान पर फेंकने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात, आपके कार्य की गुणवत्ता काफी हद तक आपके औजारों पर निर्भर होती है, इसलिए कार्य के अंत में औजारों को अच्छे से साफ करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हमने आपको बताया कि ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग करके फर्श के निर्माण करने की सही प्रक्रियाएं क्या होती है, और इसके साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि इस कार्य के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दिखाई गई सभी प्रक्रियाएं फर्श की अच्छी क्वालिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रक्रियाओं का आप कार्यस्थल पर सही उपयोग करेंगे। गुणवत्ता अपनाइए, सुरक्षित रहिए।